नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एड्रीनो से एक स्मार्ट लाइट एलईडी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं इंजीनियर देश और मैं हूं आपका दोस्त मोहित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक आर्डिनो ब्रेडबोर्ड, और आपको चाहिए होगी जम्पर वायर्स, और आपको चाहिए होगा एक एलडीआर और एक 9 वोल्ट की बैटरी, और ये चार रेजिस्टेंस, इनमें से दो हैं 220 ओम के और एक है 10 किलो ओम का, ये और ये हैं 330 ओम का। तो मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ और मैं कनेक्शन करके रख लेता हूँ क्योंकि कनेक्शन थोड़े मैसी हैं इस वजह से। उसके बाद मैं आपको सर्किट पूरा समझा दूँगा, और आपको इसके लिए एक RGB LED भी चाहिए। इसका मैं बता देता हूँ कि कैसे कनेक्शन है। इसमें एक जो लॉन्गेस्ट पिन होती है वो कॉमन होती है, और इसकी साइड वाली ब्लू, और ये है ग्रीन, और ये सबसे लास्ट वाली है रेड। ठीक, तो मैं कनेक्शन कर लेता हूँ उसके बाद। सो मैंने एड्रीनो के कनेक्शन कर दिए हैं, तो मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ कि मैंने कैसे किए हैं। तो ये सर्किट डायग्राम है, इसमें RGB LED है, ये ब्लू, और ये है हमारा कॉमन टर्मिनल, और ये है रेड। ठीक, तो रेड को मैंने कर दिया 220 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट। उसके बाद फिर मैंने उसको कर दिया एड्रीनो के 6th पिन से कनेक्ट। उसके बाद कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल को मैंने 220 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्लू, उसको मैंने 330 ओम से कनेक्ट करके एड्रीनो की 3rd पिन पे कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने जो कॉमन टर्मिनल था उसको मैंने रेजिस्टेंस से 10 किलो ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा, और उन दोनों को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया एड्रीनो के। ठीक, फिर जो रेड एड्रीनो की वो रेजिस्ट 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस की दूसरी साइड है, उसको मैंने एलडीआर से कनेक्ट करा, और उन दोनों को मैंने एड्रीनो के A0 पिन से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो LDR की दूसरी साइड है उसको मैंने एड्रीनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और बस इतना ही करना है। उसके बाद मैं आपको अभी प्रोग्राम बताता हूँ कि कैसे करते हैं एड्रीनो को। मैं एड्रीनो को कनेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर से। तो मैंने एड्रीनो को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है, और मैंने प्रोग्राम भी टाइप कर दिया है। आपको ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको वेरीफाई करूँगा। पहले टूल्स पे जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा एड्रीनो लगा हुआ भी है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कनेक्ट है एड्रीनो, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रीनो। ठीक, तो पहले हम इसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे जाके राइट क्लिक पे। वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगता है। हो गया है वेरीफाई, अब उसके बाद अपलोड कर देते हैं इसको। अपलोड पे डन लिखा आ गया है यहाँ पे, तो प्रोग्राम अब अपलोड हो चुका है। अब मैं आपको अपना सर्किट चला के दिखाता हूँ। तो मैंने एड्रीनो को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे ब्लिंक भी कर रही है एड्रीनो की लाइट। तो जैसे ही मैं अब अपना फ्लैश ऑफ़ करूँगा तो वो लाइट ब्लिंक होगी ये वाली, क्योंकि LDR लाइट डिटेक्ट करेगा। ये देखिए, ये लाइट ब्लिंक हो रही है और ये ऑन हो गई है। अब जैसे ही मैं
फ्लैश ऑन कर दूंगा वो बंद हो जाएगी। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए।